कुरान मजीद हो गया, अल्लाह का नाम हो गया, और उन सिफतों को जो भी नाम हो उनको बगैर वजू के छूना हराम है। बेहतर क्या है, आप वजू करें तब उसको छू सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आन हजरत यानी रसूल इस्लाम का नाम हो गया, मैं सलाम का नाम हो गया, बीबी जहरा हजरत फातिमा जहरा सलाम अल्लाह का नाम हो गया, ये तमाम अस्माए मुबारका जो है उनका छूना हराम है। ये शर्त है कि आप वजू करें। अगर कोई शख्स को यकीन हो नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है और वो वाजिब वजू की नियत करे, लेकिन वजू करने के बाद उसे पता चले कि अभी नमाज का वक्त दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले वजू कर चुका था कि नमाज का दाखिल वक्त हो गया है और वाजिब की नियत से उसने वजू कर लिया, कह रहे हैं कि वजू करने के बाद उसे पता चले कि वक्त अभी नमाज का दाखिल नहीं हुआ था, तो उसका वजू सही है, गलत नहीं होगा। उसके अलावा कह रहे हैं कि मैयत की नमाज के लिए कब्रिस्तान जाने, मिसाल के तौर पर मैयत के नमाज के लिए जाना या कब्रिस्तान पे जाना या मस्जिद में के हरम में जाना, कुरान मजीद साथ लेना लेके जाना, या अपने पढ़ने के लिए या लिखने के लिए या उसके हाशिया छूने के लिए या सोने के लिए वजू करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। आप हरम में जा रहे हैं वजू करके जाइए, सवाब का काम है, अच्छा है।